हाँ, जो हमारी प्रीवियस सेशन थी, प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि आप मल्टीपल फॉर्म्स कैसे बनाओगे। ये देखो, हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं। मैंने यहाँ पर बात करी थी कि आप मल्टीपल फॉर्म्स कैसे बनाओगे। फिर मैंने यहाँ पर बात करी थी कि भाई आप उसके अंदर काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर हमने बात करी थी। आज मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे कि भाई हमारे पास देखो अब ये मल्टीपल फॉर्म्स हैं। आज मैं एक काम की चीज़ आपको बताता हूँ। हमारे पास आज मैं यहाँ पे बात करूँगा MDI की एंड SDI की। MDI एंड SDI, MDI का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MDI का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और ये जो हमारा SDI होता है, SDI का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। SDI का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। जरा गौर से देखो, ये जो हमारी नोटपैड की फॉर्म है, ये जो नोटपैड की विंडो है, ये विंडो ही तो है, ये हमारा SDI है। SDI का मतलब ये अपने आप में अकेला है, इसको बाकी इसके अंदर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारी विजुअल स्टूडियो की विंडो है, ये जो हमारी विजुअल स्टूडियो की विंडो है, ये क्या हमारा MDI है। क्यों? ये देखो, ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पर आता हूँ, ये हमारा अलग विंडो है। मल्टीपल विंडोज़ हैं इसके अंदर, और यदि मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो ये देखो एक साथ मिनिमाइज हो रहा है। यदि मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ तो ये हमारा एक साथ मैक्सिमाइज हो रहा है। तो जो हमारा MDI होता है वो हमारा क्या होता है, कंटेनर विंडो होता है। जो हमारा MDI होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कंटेनर विंडो होता है। कंटेनर विंडो का मतलब कि आप इसके अंदर में बहुत कुछ डाल सकते हो। और क्या डालोगे? नॉर्मली इसके अंदर में हम SDI डालते हैं। SDI का मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि भाई आप MDI फॉर्म कैसे बनाओगे, MDI फॉर्म के अंदर आप SDI फॉर्म को कैसे डालोगे। इसके बाद MDI एंड SDI के बाद यहीं पे हम लोग बात करेंगे मेनूज कैसे बनाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टूल बार कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग सारी ये विंडोज़ प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई MDI के थ्रू हम मल्टीपल फॉर्म्स को ओपन कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फॉर्म ऐड करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और मैं यहाँ पे एक विंडोज़ फॉर्म ऐड करता हूँ। ये जो हमारा विंडोज़ फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म 4 है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको। और ये जो हमारा फॉर्म 4 है, इस फॉर्म 4 के को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मेनूज़ बनाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मेनूज़ बनाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है इज़ MDI कंटेनर। बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे फॉर्म होते हैं वो SDI होते हैं। मुझे इसे MDI बनाना है, तो MDI बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इज़ MDI कंटेनर, और इज़ MDI कंटेनर को मैं बोल देता हूँ ट्रू। बन गया, अब आपने इसे MDI कंटेनर बना दिया, अच्छी बात है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे व्यू में आता हूँ, टूल बॉक्स में आता हूँ। मुझे यहाँ पे मेनूज बार चाहिए, ये देखो ये मेनूज आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे मेनू बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मेनू स्ट्रिप। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है मेनू स्ट्रिप, ले लिया। अब ये मेनू स्ट्रिप लेने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप हियर। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर्म। अब ये जो फॉर्म आपने लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्म के साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एम्परसेंट। एम्परसेंट का मतलब ये आपने हॉटकी बना दिया। हॉटकी मतलब जब मैं अल्ट एफ करूँगा तो ये देखो एफ अंडरलाइन होकर आ रहा है ना, इसका मतलब जब मैं यहाँ पे अल्ट एफ करूँगा तो ये हमारा खुल जाएगा। अब फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लेता हूँ ओपन फॉर्म 1, चलो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं आप बोलता हूँ ओपन फॉर्म 2, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ ओपन फॉर्म 3, मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लोज फॉर्म 1, मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लोज फॉर्म 2। मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एग्जिट, इधर आ जाओ। और भी बाकी जो कुछ आपको लेना है, जो भी ऑप्शंस आपको लेना है, आपको एडिट लेना है, टी को यहाँ पर हॉट की बनाना है, तो यहाँ पर लगा दो M%। ये इसका मतलब ऑल्ट टी करोगे तो ये खुल जाएगा एडिट। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉपी,
मैं यहाँ पर बोलता हूँ पेस्ट, और मान लो मैं यहाँ पर कुछ और लेता हूँ, मैं बोलता हूँ अदर, मैं यहाँ पर बोलता हूँ अदर, अदर के अंदर मान लो मैंने ये ले लिया। अब तुम यहाँ पे सब मेनूज बना सकते हो, यहाँ पे तुम सब मेनूज बना सकते हो, ये देखो तुम यहाँ पे सब। उसके लिए आपको कुछ अलग से कर्सर रखनी है और लिखनी है, यहाँ पे आपको कर्सर लिखना रखना है और लिखना है, ये देखो ठीक, ये देखो डाल दिया, ये आपने यहाँ पे अलग अलग बना दिया। अब थोड़ा सा इस मेनूज को मैं सही कर लेता हूँ, कम से कम इनके बीच में सेपरेटर तो हो, तो राइट क्लिक और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इंसर्ट सेपरेटर, मैं यहाँ बोलता हूँ राइट क्लिक इंसर्ट सेपरेटर, राइट क्लिक इंसर्ट सेपरेटर, राइट क्लिक इंसर्ट सेपरेटर। चलो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इमेज भी आ जाए, तो राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ सेट इमेज, यहाँ पे जो भी काम होना है सब राइट क्लिक पे ही होना है। अब मान लो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप फोटोज हैं, मान लो मैं धोनी जी को यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे भाई साहब को कुछ और इमेज में डाल दूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ विराट कोहली जी को डाल देता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे सेट इमेज करता हूँ और मैं यहाँ पे इस क्रिकेट बैट को डाल देता हूँ, ठीक आ गया। और अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई इसका शॉर्टकट भी आ जाए, तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्टकट। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज में क्या लेना है, मैं बोलता हूँ कंट्रोल। अच्छा भाई आप यहाँ पे लेते हो कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ क्या, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्रोल सी। अब जैसे मैं कंट्रोल सी करूँ तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, मैं इसके लिए लेता हूँ क्लोज़ के लिए। अब क्लोज़ के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ क्या लेना है, तो शिफ्ट सी। अब यदि मैं शिफ्ट सी करूँगा तो ये फॉर्म हमारा बंद हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी, प्रॉपर्टीज वैलिड इनपुट डाल दो यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट के साथ मैं आर ले लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट वैल्यू लाइक दिस इज इनवैलिड इन एम टाइप कीज पैरामीटर रिटर्न लाइक, ओके कुछ और ले लो, ये देख आपने शॉर्टकट भी लगा दिया, तो आपने शॉर्टकट भी लगा दिया, आपने सेपरेटर भी लगा दिया, आपने इमेज भी लगा दिया। अब मैं क्या चाहूँगा कि ये फॉर्म हमारा खुलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में आता हूँ, और प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा फॉर्म फोर है इसको स्टार्टअप फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, न्यू फॉर्म थ्री है ना उस दिन हमने किया था, अब मैं यहाँ पे फॉर्म फोर बोल देता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन करूंगा, अब हमारा फॉर्म फोर खोल के सामने आ जाएगा, ओपन हो रहा है अभी। ये फिर से कंपाइल हो रहा है सारा चीज, आपने चेंजेस करें। ये देखो ये हमारा फॉर्म आ गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें निकल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा जो फॉर्म वन है वो खुलना चाहिए, यहाँ पे फॉर्म टू खुलना चाहिए, तो मुझे ये काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म फोर है इसके ओपन पे यहाँ पे कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बोलना है फॉर्म वन, जो भी हमारा क्लास का नाम था, हमारा क्या था फॉर्म वन, मैं बोलता हूँ एक्स, मैं फॉर्म टू भी ले लेता हूँ, जो भी हमारे और मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर्म टू, फॉर्म टू, और मैं यहाँ बोल देता हूँ वाई, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसको क्या दिक्कत आ गई, ये रहा हमारा फॉर्म, ओके फॉर्म टू है ही नहीं, फॉर्म थ्री ले लो, फॉर्म थ्री वाई, नाम चेंज हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे फॉर्म वन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू न्यू फॉर्म, जो भी फॉर्म कॉल करना है उसको ऑब्जेक्ट बना लो,
और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे बोल दो एक्स डॉट सो, दैट्स इट। आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डॉट सो, और अब आप इसको क्लिक करो। अब जैसे मैं यहाँ पे ओपन फॉर्म वन कर रहा हूँ, ये हमारा खुल गया, बहुत अच्छा। लेकिन अभी ये बाहर जा रहा है, इसको जब भी खुलना चाहिए तो इस एरिया के अंदर खुलना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्म को मुझे इसका चाइल्ड बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ एक्स डॉट एम डी आई पेरेंट। आपको बताना होगा कि इसका पेरेंट कौन है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ दिस, मतलब इसका पेरेंट कौन है, वो वाला फॉर्म है जो इसे कॉल कर रहा है, यानी कि जिस फॉर्म के अंदर हम करेंट में हैं। अब यदि मैंने इसे एम डी आई पेरेंट बना दिया, अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, तो अब ये फॉर्म जब भी खुलेगा तो इस विंडो के अंदर ही खुलेगा, यानी कि जो आपका फॉर्म फोर है, फॉर्म फोर के अंदर ही खुलेगा। अब ये फॉर्म फोर आपका एम डी आई फॉर्म हो गया और ये उसके चाइल्ड फॉर्म हो गया, ये देखो। अब ये इसके अंदर ही खुलेगा, अब ये इससे बाहर नहीं जाएगा। एम डी आई का कॉन्सेप्ट ये होता है, अब ये इससे बाहर नहीं जाना, ये जब भी खुलना है तो इसके अंदर ही खुलना है, ये देखो। ये जब भी खुलेगा इसके बाहर आप नहीं ले जा सकते इसको, एम डी आई का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो अभी हमारा फॉर्म खुल गया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ भाई आपने यहाँ पे फॉर्म को शो करवा दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्म है, और बेहतर कि मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहीं पे कर देता हूँ न्यू फॉर्म वन, और तो मुझे बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्लोज पे इसे बंद करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ एक्स डॉट क्लोज, इसे क्लोज करता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, इसको यदि मैं रन करूँ, तो आपने ऑलरेडी ऊपर में फॉर्म को ऑब्जेक्ट बना के उसे शो करवा रखा है। तो फॉर्म को कॉल करने के लिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बना के डॉट शो, और क्लोज करने के लिए हम बोलते हैं एक्स डॉट क्लोज, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया था डॉट यहाँ पे क्लोज लगा दो। ये देखो ओपन कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, अभी हमारा क्लोज हो गया, आपने ओपन कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे, हाँ अब समस्या यहाँ पे ये हो गई कि मैंने जब इसे क्लोज करा, तो क्लोज करने के बाद क्या होता है, वो डिस्पोज हो जाता है। क्लोज करने के बाद वो क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। तो बेहतर आप ये करो, यहीं पे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू न्यू फॉर्म वन, यहाँ पे केवल डिक्लेरेशन ही रहने दो, रन कर। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, फॉर्म के अंदर ओपन, अब ये खुल रहा है, क्लोज। अब यदि मुझे फिर से ओपन करना है, मैं करता हूँ ओपन, खुल रहा है, मैं करता हूँ क्लोज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स को खोल सकते हो। अभी आपने कितने फॉर्म, अभी आपने कौन से फॉर्म को खोला है, फॉर्म वन को। मान लो मुझे फॉर्म टू को खोलना है या फॉर्म थ्री को खोलना है, तो फिर यहाँ पे क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओगे वाई इज इक्वल टू न्यू फॉर्म थ्री, और अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ वाई डॉट सो, शो करवा दो, और ये उसके अंदर ही खुलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलोगे y डॉट एम डी आई पेरेंट इज इक्वल टू दिस। अब यदि मैं इसको रन करूँ, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। ये देखो फॉर्म खुल गया, ये देखो। अब ये क्या, ये दो फॉर्म खुल के आ गए, ये फॉर्म भी खुल रहा है और ये वाला फॉर्म भी खुल रहा है हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार में एक ही फॉर्म खुलना चाहिए। भाई मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ पे क्यों खोलोगे। तो आप एक काम करो, मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ void fn height, height के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर्म फॉर्म frm इज इक्वल टू दिस डॉट चाइल्ड फॉर्म एम डी आई चिल्ड्रेन, दिस डॉट एम डी आई चिल्ड्रेन, यानी कि इसके जितने भी एम डी आई होंगे, मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्म क्लास फॉर्म का एक एरे बना लिया एफ आर एम, उसके अंदर मैं इसे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर इच
एक्स इन एफ आर एम, मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर इच, एक कोई भी वेरिएबल ले लो, मैं बोलता हूँ वेरिएबल फॉर्म पी इन एफ आर एम, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पी डॉट क्लोज, यानी कि यदि कोई भी फॉर्म हमारा खुला हुआ होगा तो पहले ये इसे बंद कर दे, उस MDI के अंदर कोई भी फॉर्म यदि खुला हुआ होगा तो उसे बंद कर देगा। मैंने क्या करा, जितने भी उसके बच्चे हैं उस फॉर्म के, उसको मैंने FRM के अंदर डाल दिया, एरे बना दिया, फॉर लूप चला दिया यहाँ पे, और एक एक करके मैंने उसे उठा दिया। और ये जो मेथड है, इस मेथड को मैं यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ, यानी कि किसी भी फॉर्म को शो करवाने से पहले मैं उसे यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, FN height copy, मैं इसे यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, और मैं इसे यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बार में एक ही फॉर्म खुल के आएगा आपके सामने। अब यदि मैं इसे रन करूँ, ओपन, ये फॉर्म खुल लिया आपने, अब मुझे दूसरा फॉर्म ओपन करना है। अब यदि मैं इस फॉर्म पे जाऊँ तो वो जो पुराना वाला फॉर्म है वो बंद हो गया। देखो एक बार में यहाँ पे एक ही फॉर्म खुलेगा, क्यों? अब यदि मैं इस वाले फॉर्म को ओपन करूँ तो वो पुराना वाला फॉर्म बंद हो गया, ये देखो अब ये खुल रहा है, क्यों? चूँकि आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे एक मेथड बना लिया, और मेथड के अंदर का नाम दिया आपने एफ एन हाइट। इस मेथड के अंदर जितने भी MDI के चिल्ड्रेन हैं उनको आपने एक जगह स्टोर कर लिया, और आपने एक लूप चला दिया फॉर लूप। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई एक एक करके उठा लो और उसको क्लोज करते जाओ, और इस मेथड को आपने किसी भी फॉर्म को ओपन करवाने से पहले शो करवाया। बात समझ में आई? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपने काम कर दिया। अच्छा एक चीज़ और देखो, आपने यहाँ पे यूज़ किया है, आपने यूज़ किया है यहाँ पे शॉर्टकट, और शॉर्टकट आपने यहाँ पे क्या लगाया है, देखो कंट्रोल सी और कंट्रोल डी। अब मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी, ये देखो फॉर्म खुल के आ गया। अब मैं बोलता हूँ कंट्रोल डी, ये देखो बंद हो गया, बंद हो गया। तो ये हमारा शॉर्टकट है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आपने मेनूज बना लिए, मेनूज के अंदर आपने ये सारे ऑप्शंस लगा दिए, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कॉल करते हैं, कैसे हम फॉर्म को बंद करते हैं, कैसे हम जब एक फॉर्म को ओपन करें तो दूसरा फॉर्म बंद हो जाए। अब भाई यहाँ पे एक और मेनूज होता है जिसको हम बोलते हैं राइट क्लिक वाला मेनू। ये देखो ये जो राइट क्लिक वाले ऑप्शंस होते हैं ना मेनूज के अंदर, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू मतलब ये जो राइट क्लिक वाला मेनू आता है। अब ये राइट क्लिक वाला मेनूज को आप कैसे यूज करोगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू को ले लो, यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू, ले लिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर डाल दो, मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, ओपन फॉर्म वन। अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, ओपन फॉर्म थ्री। अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, क्लोज फॉर्म वन, और बाकी जो भी आपको यहाँ पर डालना है डाल दो, डाल दिया। अब आप यहाँ पे इसका कोड लिख दो। अब यहाँ पे जो आपको कोड लिखना है वो कोड कौन सा लिखना है, तो मुझे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे ये इसका इवेंट है। अब इसके क्लिक में मुझे कौन सा फॉर्म कॉल करवाना है, यही वाला कोड तो कॉल करवाना है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यही तो कॉल करवाने थे मुझे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ओपन फॉर्म के, ये देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ किसको, ये जो आपने ये देखो इसका हमारा इवेंट कौन सा है, ये हमारा इवेंट है ना, तो ये जो इवेंट है इस इवेंट को मैं कॉल कर लेता हूँ इसके ऊपर, यानी कि बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉल करना है, तो मुझे ये वाला कॉल करना है। इसी तरह से इसका मतलब यदि मैं रन करूँ यहाँ पे, अच्छा ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट मेनू होते हैं ये आएंगे नहीं, जैसे नॉर्मल मेनू तो आपके आ जाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेनू ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना होगा राइट क्लिक, ये देखो आ नहीं रहा। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू को लाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हमारा फॉर्म का प्रॉपर्टी होता है कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप, कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप, और ये कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप में ये नाम दे दो, नाम दे दिया। अब यदि मैं इसको रन करूँ,
अब मैं इसको रन करूँ, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये देखो आ रहा है ओपन फॉर्म खुल गया, क्यों? चूँकि आपने उस वाले इवेंट्स को कॉल कर लिया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू को लेके काम करते हैं। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू लेते हैं, प्रॉपर्टीज डालते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू पे कोई प्रॉपर्टी, कोई इवेंट लगाना है, जैसे मान लो क्लोज लगाना है, तो क्लोज के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे चले जाओ इवेंट, और ये क्लिक का इवेंट है। अब क्लिक पे किसको कॉल करना है, तो जो भी आप कॉल करना चाहते हो, मैं यहाँ पे क्लोज वाले को कॉल कर लेता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपका क्लोज का कोड था, उस कोड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, यानी कि बार बार हमें यहाँ पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक, मैं करता हूँ यहाँ पर क्लोज, ये देखो क्लोज भी हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू।